बैक इन अनदर व्लॉग। तो आज है जी 23वां रोज़ा, अभी हम 23वीं सैरी लेने जा रहे हैं। सारे दोस्त उठ चुके हैं, अभी थोड़ी देर अभी हम जाएंगे नीचे सैरी लेने के लिए और देखते हैं क्या मिलता है। तो आज भी तकरीबन हम लेट ही उठे हैं, सारे लेट ही सोते हैं। 3 बज गए हैं, नीचे जा रहे हैं हम सैरी लेने के लिए। आज 23वां रोज़ा है रमज़ान का, तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि किधर जा रहा है। आज 23वां रोज़ा हम रख लेंगे, 23वीं सैरी करेंगे, जाते हैं नीचे और नीचे जाके देखते हैं क्या होता है। छोटे डॉन पता नहीं लग रहा है, आज 23वां रोजा ये है तो बिल्कुल ठीक है। चौल छड़ दे मामा, चौल तो छड़ता नहीं है। टाइम क्या है, 3:30 हो गए, तो टाइम पड़ा है काफ़ी। वही घर जाते हैं, अभी सैरी करते हैं, सैरी करके नमाज शाह पढ़ के फिर आपसे बात करते हैं, क्योंकि टाइम पड़ा है तकरीबन आधा पौना घंटा, अभी टाइम है काफ़ी। सैरी हमने ले ली है, एक दोस्त अभी सोया हुआ लगता है, आज फिर रोज़ा नहीं रखेगा, ऐसे ही है ना, ग्लिच नहीं दूर हो रहा है। बगल हो रही है अभी साथ, क्या दौरान तेरा तो जोटीदार है साथ, तेरा जोटीदार ही है साथ, रोजा ही नहीं रखता, लेट सोने तुम दोनों ही, उठता तू भी नहीं हूं है, पहले तो अगे उठा हों हम 2 दिन हो गए, तू ठीक है ठीक है, तू मानता नहीं है कि हाँ यार मैं लेट उठता है, लेट सोना है, लेट उठता है, उन्हीं तरह नहीं है। अच्छा मुंह करके तो बात कर रहा है, लगता है तुम्हें पता नहीं कि लेट सोना है। गर्मी बहुत की है उस्ताद, है ना, बड़ी गर्मी लगती अंदर हूँ, एसी नु मारिए सला फिर है, लान ली जगह बथेरी है यार, लगाओगे छत से लगा दे क्या लेके हैं, हम सैरी करते हैं फिर आपसे बात करते हैं।
तो आज है जी 23 रमज़ान। आज मौसम काफ़ी गर्म है, रात को भी काफ़ी गर्मी थी, मुझे भी काफ़ी गर्मी, पसीना आ रहा था रात को भी। तो आज मौसम काफ़ी गर्म होने वाला है, दोस्तों से गुजारिश है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पराठे कम खाएँ, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। पहले मैंने रोज़े तो बहुत अच्छे गुजर गए, लेकिन अभी जो आने वाले रोज़े हैं मुझे लगता है मज़ीद गर्म होंगे, क्योंकि गर्मी अभी सुबह सुबह ही बता रही है कि काफ़ी ज़्यादा है, कि हवा तो चल ही नहीं रही ना अभी, दोपहर में हवा चल रही थी क्या, लेकिन अभी आज अभी सुबह सुबह को मौसम बहुत गर्म है। तो अभी सैरी लग गए हैं, अभी सैरी करने लगे हैं, इंशाल्लाह सैरी करके फिर हम आपसे बात करते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखें। हमने अपनी सैरी कर ली है, 23वीं सैरी आज, 23 रमज़ान मुबारक है। आज मौसम बहुत गर्म होने वाला है, कल भी गला खुश्क हो रहा था, होंठ खुश्क हो रहे थे, हालांकि कल रोज़ा खोल के भी इतनी प्यास लग रही थी कि रात को हमने तकरीबन 2-2 जग पानी के पिए, फिर भी गला खुश्क हो रहा था। आज तो सुबह सुबह ही लग रहा है कि इतनी गर्मी होगी कि क्या बताऊँ, ठीक हो तरह गर्मी है आज, है ना? नहीं आज गर्मी है, अंदर सोने जा सकते अभी गर्मी पसीना आया हुआ था, तो सुबह सुबह रात को ना थोड़ी ठंडा हो जाती है, तो रात को वो बिल्कुल नहीं था, है ना? फिर आगे कूलर को सलाह मारे या एसी को? एसी को मारेंगे। अच्छा, एसी को सलाह मारेंगे। क्या नहीं, जितनान साहब कह रहे हैं कि अभी हम चलाएंगे एसी, क्योंकि गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है सुबह सुबह, रात को सोना होता है तो गर्मी बहुत लगती है, एसी लगा होता थोड़ा सा सुकून हो जाता है, बंदे की नींद पूरी हो जाती है, और सुबह ऑफिस वही सी बात है, काम वगैरह भी होते हैं, लेकिन ओके इस तरह गर्मी काफ़ी पड़ेगी, तो मौसम काफ़ी चेंज हुआ है, बारिशें हुई हैं, बेमौसमी बारिशें हुई हैं, तो जिसकी वजह से अब आगे आगे मजीद गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि अभी अप्रैल का महीना है, अप्रैल भी अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, और उसके बाद मई में तो आपको पता है गर्मी काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। अभी सैरी कर ली है हमने, अभी नमाज का टाइम, अजान होगी, अजान के बाद नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह फिर हम थोड़ी देर के लिए सोएंगे, फिर सुबह ऑफिस है, ऑफिस आपको पता है जब तक नींद पूरी ना हो तो ऑफिस में फिर नींद आती रहती है, फिर उसके बाद काम डिस्टर्ब होता है, इसकी वजह से फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो अभी फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ते पढ़ने के बाद फिर हम सो जाएंगे। कैसी तबीयत है अभी, सांस आना बहाल हुआ कि नहीं है? आ रहा तो। क्या खाया था रात को? चावल ही खाए होंगे आपने, मुझे पता है। तो यार छोड़ दो, अगर तबीयत नहीं सही हो रही तो बंदा छोड़ देता है वो आदत, हैं हैं क्या करें, क्या करें, क्या मतलब छोड़ दें चावल और क्या। अच्छा जी, अभी सैरी ख़त्म होने में, सैरी का टाइम ख़त्म होने में 10 मिनट हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे थोड़ी देर बात कर ली जाए। तो रमज़ान जिस तेज़ी से गुजर रहा है, अभी कल की बातें लग रही हैं कि हम सोच रहे हैं रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, अभी आज रमज़ान का 23वां रोज़ा है, और पता नहीं चल रहा कि रमज़ान गुजर रहा है, तकरीबन गुजर चुका है, क्योंकि आज 23वां हो गया है, तो अभी पता नहीं गवर्नमेंट इस दफ़ा 30 करती है 29 करती है। हमारे पाकिस्तान में यही मसला रहता है कि रोज़े 30 होंगे या 29 होंगे, क्योंकि कन्फर्म ही होता है, नहीं होता। अभी भी जब रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो तकरीबन रात को 10 बजे गवर्नमेंट ऐलान कर देकर सुबह हो गया, तो इसी तरह ईद का होता है, हम लोग वेट कर करके कर करके सो जाते हैं, तो रात को 10 या 11 बजे पीछे से ऐलान हो जाता है कि सुबह ईद है या सुबह रोज़ा है, तो किसी को बेचारे को पता होता है, किसी को पता ही नहीं होता जो जाग रहा होता है, क्योंकि मोस्टली गाँव वगैरह में तो लोग मगरिब के बाद नमाज वगैरह ऐसा पढ़ते तो सो जाते हैं, तो वहाँ पे तो लेट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कि आप 12-1 बजे तक बैठे रहें, वहाँ पे तो ये है कि आप जल्दी खाना मगरिब के बाद, खाना मगरिब से पहले ही खाना होता है रात का मेरा जो है, तो अक्सर वहाँ तो गलियों वगैरह में सन्नाटा हो जाता है, ये है कि शहर वाली साइड पे लोग फिर भी जा रहे होते हैं, यहाँ पे अभी जैसे लाहौर में वहाँ पर तकरीबन सारी रात ही लोग जाके रहते हैं, रात को लेट नाइट्स होते हैं 2-3 बजे तक, या कोई कुछ लोग ऐसे थे मॉडर्न है जो सुबह ही सोते हैं, सैर करके ही सोते हैं,
लेकिन हमारे वाली साइड पे तो बहुत जल्दी लोग सो जाते हैं और सुबह उठ के बाद जाता है कि ईद है या रोज़ा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी मतलब जल्द लेट से बेहतर है कि बंदा जल्दी अनाउंसमेंट कर दे कि सुबह क्या है, ईद है या रोज़ा है, ताकि बाकी लोग कभी परेशानी ना हो, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग सो जल्दी सो जाते हैं। बहुत बेचारों बेचारे होते हैं कि चलो ईद का ऐलान होगा, फिर उसके बाद शॉपिंग करनी होती है, उन्हें जाके चीज़ें वगैरह लेनी होती हैं, सामान लेना होता है सुबह ईद के लिए, जैसे जैसे कि वो चीनी का सामान हो गया या सलमियाँ वगैरह हो गई, मीठे मीठी ईद है, छोटी ईद है, मीठी ईद होती है। तो सारे लोग इंतज़ार में होते हैं कि जब ईद का ऐलान होगा उसे तुम लेके आएंगे, शाम को लेके आएंगे। हम भी मोस्टली शाम को ही जाके लेके आते हैं तकरीबन, जब ईद का ऐलान होता है तो फिर हम निकलते हैं। ये गवर्नमेंट एक दो दफ़ा हम हमारे साथ ये कर चुकी है ना, तो इसलिए हम काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहते हैं, देखते हैं कब तक ऐलान होगा, फिर उसके बाद फिर हम शहरों में शहर की तरफ चले जाते हैं सामान वगैरह लेने के लिए। तो रात को ही हम परचेज करते हैं क्योंकि हमने ही जाके लेना होता है घर में, और होता कोई नहीं तो जो सामान वगैरह ले आए। तो जब हम जाते हैं घर, तो घर जाके फिर हमने अपना जो ईद का सामान है वो लेना होता है, जिसमें काफ़ी सामान होता है, सेवैयाँ होती हैं, इसमें चावल शावल होते हैं, मेहमानों के लिए अगले दिन कोई ना कोई अगर आ जाए तो उनके लिए पहले से ही कोल्ड ड्रिंक का इंतज़ाम करना होता है। तो इस तरह का काफ़ी सामान हमें लेना होता है। तो यहाँ तो सिनेरियो कुछ और है, क्योंकि शॉप भी रात को खुली रहती है। वहाँ पे ये होता है कि ईद के दिनों में तो रात को हम जो 9-10 बजे तक हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है बाज़ार से, लेकिन आम रूटीन में जैसे अभी रमज़ान चल रहा है तो मगरिब के बाद तो शॉप वगैरह बंद हो जाती हैं, तो अगर आप लेना भी चाहो तो मुश्किल हो जाती है। कोई एक आध दुकान खुली रहती है बाज़ार वाली साइड पर, लेकिन अक्सर दुकानें जो है ना वो ज़्यादातर दुकानें मगरिब होते ही मतलब मगरिब से पहले या मगरिब के बाद मतलब इशा से पहले पहले सब कुछ हमारी तरफ क्लोज हो जाता है। तो इस चीज़ पर है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर आपने अनाउंसमेंट करनी ही है तो इशा से पहले पहले मतलब अनाउंसमेंट हो जाए। अभी मुझे लगता है कि छुट्टियों के लिए अनाउंसमेंट हो गई है, असम्बली जो है हमारे वज़ीर आज़म साहब के ऑफिस में पड़ी हुई है, तो वहाँ छुट्टियों का ऐलान किया है उन्होंने, देखते हैं क्या बनता है। तो बस यही है कि सब लोग खुश रहें, सब लोगों को अपने आस पड़ोस में सबसे पहले देखें कि कोई भूखा तो नहीं है, और दोस्तियों को भी मतलब कि अपनी खुशी में शामिल करें। अगर कोई इस तरह का घर है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उनको उनकी हेल्प करें ज़्यादा से ज़्यादा, उनको कोशिश करें कि वो भी उनकी उनके बच्चों के कपड़े उनकी ईद भी अच्छी गुजरे, वो भी नए कपड़े पहन सकें, तो अपने मोहल्ले गली मोहल्ले रिश्तेदारों का प्यार रखें। सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है, अभी अजानें होंगी, अजान होती है तो फिर नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर आपसे इजाज़त लेंगे कि सोना है, नमाज़ पढ़ के सोएंगे, अभी अजानें होने ही वाली हैं, तो बाकी लोग भी इंतज़ार में हैं कि नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ के फिर इंशाल्लाह अपने अपने बिस्तरों में जाके सो जाएंगे। तो जी अजान हो चुकी है, अभी हम लगे हैं नमाज़ पढ़ने, अजान का टाइम हुआ था, अजानें हो रही थी, अजानें सुन रहा था मैं, तो अभी वज़ू करते हैं, वज़ू करके फिर नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आपसे बात करते हैं। जैसा कि अजान हो चुकी थी, अभी हम नमाज़ पढ़ के फ्री हो चुके हैं, बाकी दोस्त सारे सो चुके हैं, तो अभी आप अपने भाई को भी इजाज़त दें कि मैं भी सो सकूं थोड़ी देर के लिए, फिर ऑफिस जाना है, ऑफिस से फिर काम शाम भी काफ़ी हैं आज के, ईद के दिन चल रहे हैं। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के बटन को दबा दें।